परिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर डेढ़ साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है, परिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर डेढ़ साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।